Hi dear students, I welcome you all once again in our part second of this lecture, जिसमें हम अमोनिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अभी जो है आपने अमोनिया के रिलेटेड एक तो इसकी लैब प्रेपरेशंस आपने डिस्कस की, अमोनिया की आपने इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन जिसमें हमने हैबर्स प्रोसेस को डिस्कस किया, और बाद में हमने अमोनिया के रिलेटेड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की. तो आज के इस लेक्चर में जो कि अमोनिया के रिलेटेड सेकंड लेक्चर रहेगा, इसमें हम अमोनिया के एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और साथ ही में अमोनिया के जो है यूजेस हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि अमोनिया कौन कौन सी रिएक्शंस शो करता है वो हम देखेंगे, और बाद में हम केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने के बाद अमोनिया के यूजेस के रिलेटेड भी बात करते हैं. ये जो क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट में हमने प्रेपरेशन डिस्कस करी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, और पार्ट सेकंड में हम केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ अमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से समझिएगा. द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया. बेसिक नेचर ऑफ NH3. ये अमोनिया जो है, हम ये कहते हैं कि ये एक बेसिक कंपाउंड है, या इसका एक बेसिक नेचर है. कैसे कहते हैं तो समझ लो, जब हम अमोनिया को NH3 जो अमोनिया है, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं H2O, तो ये दोनों अमोनिया और वाटर, जब अमोनिया को वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं, दे रिएक्ट विथ वन अनदर एंड दे फॉर्म NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. सो जो अमोनिया है उसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हो और आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी सेल्फ डिकम्पोजिशन हो जाती है, खुद से ब्रेक हो जाता है इन वाटर और बनाता है NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. देख लीजिए, आपने अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व कर दिया और वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिकम्पोजिशन होती है और वो हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज करता है. दैट मीन्स व्हेन अमोनिया is dissolved in water, there is the formation of hydroxide ions. That is why we consider ammonia as a basic compound. Ammonia को हम basic compound इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसको water में dissolve करते हैं, water में dissolve करने के बाद ये ammonium hydroxide बनाता है, ammonium hydroxide की decomposition हो जाती है और वो hydroxide ions, OH negative ions release करता है, because of this ability of ammonia to release OH negative ions in water. Because of this ability of ammonia, it is called as a basic compound. पहले तो आपको मैं एक चीज दिमाग से निकाल देता हूं कि अमोनिया जो है वो खुद OH negative रिलीज नहीं करता, इसमें कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिर वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव बनाता है. सो कहने का मतलब यही है, इनडायरेक्टली अब ये कहते हैं कि अमोनिया को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन्स मिलते हैं, इसलिए हम अमोनिया की एक्वस सोल्यूशन को, जो अमोनिया की एक्वस सोल्यूशन है उसको हम बेसिक मानते हैं, क्योंकि अमोनिया को जब भी वाटर में डिजॉल्व करते हैं वहां पे जो एक्वस सोल्यूशन बनती है उस एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है और हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया को बेसिक सॉल्यूशन मानते हैं. तो ये तो था एक प्रूफ कि अमोनिया जो है वो एक बेसिक कंपाउंड है, बेसिक इन नेचर है, उसके लिए मैंने एक प्रूफ यहां पे दे दिया. तो दूसरा प्रूफ मैं आपको देता हूं. आपको पता है जो अमोनिया है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम, इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इस अमोनिया जो है अपने इस एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकता है. दैट मीन्स अमोनिया, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब ये डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. दैट इज व्हाई वी कॉल अमोनिया एज अ लेविस बेस.
Lewis base. This is the another proof that ammonia is a basic compound. The presence of lone pair on nitrogen atom, it confirms that ammonia is an electron rich compound, and this ammonia can donate the lone pair of electron, and any substance which donates lone pair of electron, that is called as a Lewis base. So ammonia ko hum Lewis base mante hain kyunki ammonia jo hai ye lone pair of electron donate kar sakta hai. To yahan pe main ek example le leta hu, main BF3 leta hu yahan pe. B F, F and F. This is BF3, BF3 compound. अगर आप देखोगे, BF3 में जो ये boron है, central atom boron, इसने कितनी bonds बनाई है? 1, 2, 3 bonds. 3 bonds का मतलब इसके पास 6 electrons है boron के पास. After sharing, still it lacks 2 electrons for completing its octet. That means BF3 is electron deficient. ये जो BF3 है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें बोरान ने खाली 3 बॉन्ड्स बनाई है. 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स लैक कर रहा है फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट. दैट इज व्हाई इसको मैंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह दिया. और जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, उसे हम लेविस एसिड कहते हैं. सो BF3 इज अ लेविस एसिड. BF3 एक लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और इसको हम लेविस बेस कहेंगे. सो जब भी हम BF3 और NH3 को क्लोज लाते हैं, दिस NH3 बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू दिस बोरॉन एटम एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहां पे अमोनिया जो है, अमोनिया एक लेविस बेस है क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये BF3 को डोनेट करता है. और डोनेट करने की वजह से हम कंफर्म करते हैं एक चीज यहां पे कि अमोनिया जो है ये रियलिटी में लेविस बेस एक्ट करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर पाता है. लेकिन आप बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे, सर नाइट्रोजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कहां से डोनेट करेगा? नाइट्रोजन का जो साइज होता है ना, वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है, और छोटे एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना, तो ये आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, और इसलिए ये लेविस बेस यानी कि स्ट्रांग लेविस बेस कहलाता है. सो हमने यहां पे एक चीज बोला, जो अमोनिया है उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दो, जो एक्वो सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बनती है वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज होते हैं. बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग वी से अमोनिया इज बेसिक इन नेचर. इन एडिशन टू दिस, अमोनिया कंटेन अमोनिया आल्सो कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट मींस इट donates the lone pair of electron and acts as the Lewis base also. So I will take one more example. ये जो silver है, Ag positive, silver ion. अपने coordination chemistry में पढ़ा होगा, जो Ag positive ion है, इसको हम central metal ion कहते हैं. Coordination chemistry में हम इसको central metal ion कहते हैं. और ये 2 times ammonia के साथ combine करता है. 2 ammonia molecules. मैंने 2 times अमोनिया लिया, दोनों अमोनिया मॉलिक्यूल्स इसको डोनेट करते हैं लोन पेयर. चलो मैं एक अमोनिया इस साइड से लिखता हूं, दूसरा अमोनिया मैं इस साइड से लिखता हूं. सो ये अमोनिया भी इसको डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो यहां पे कंपाउंड बनेगा, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ अमोनिया विद सिल्वर टू अ पॉजिटिव आयन. सो अमोनिया जो है, बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. और जो ये कंपाउंड यहां पे बना है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं. सो एक चीज मैं करता हूं, मैं इसकी फार्मूला लिख लेता हूं शॉर्ट में. यहां पे सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, अमोनिया यहां पे 2 है. मैं NH3O2 लिख लेता हूं, NH3O2, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया. 2 अमोनिया जो है वो इसको डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है सिल्वर का, ये मैं ऊपर लिख लेता हूं. दैट मींस अमोनिया एज इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट एक्ट्स एज अ लिगेंड. ये लिगेंड एक्ट करता है और ये सिल्वर पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यहां पे ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया, या हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है. यहां पे आपका कॉम्प्लेक्स आयन, ये तो ऑलरेडी आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी समझा है कि अमोनिया जो है एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक डोनर साइट होती है अमोनिया में, जिसकी वजह से अमोनिया सिल्वर को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन. दो-दो अमोनिया एटम्स इसको, दो-दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स इसको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 होगा. इन्हें कहने का मतलब ये है कि अमोनिया जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होने की वजह से लेविस बेस एक्ट करता है, और यहां ये लिगेंड एक्ट करता है और बनाता है कॉम्प्लेक्स आयन्स विद एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल मेटल एटम और आयन. इसके बाद बेसिक नेचर डिस्कस करने के बाद, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर ऑफ अमोनिया डिस्कस करने के बाद, हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अमोनिया की. सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी,
रिएक्शन. अभी हमने कहा पहली पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसमें हमने देखा जो अमोनिया है वो एक बेसिक कंपाउंड है. तो जब अमोनिया बेसिक कंपाउंड है ऑब्वियसली फिर ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा. सो हम जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स. अमोनिया जो एक बेसिक कंपाउंड है वो एसिड्स के साथ क्या रिएक्ट करता है या नहीं करता. तो सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं, जो अमोनिया है NH3, अमोनिया जो है वो एक बेसिक कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है. वो डिफरेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, डिफरेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट. अमोनिया बीइंग अ बेस रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम साल्ट्स, अमोनियम साल्ट्स. अमोनिया जो है वो एक बेस है, बेस है, अमोनिया एक बेस है. तो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ साल्ट्स बनाएगा. उन साल्ट्स का नाम क्या पड़ता है? अमोनियम साल्ट्स. तो आप यहां पे खुद से लिख सकते हो विथ एसिड्स अमोनिया रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स व्हाट? अमोनियम साल्ट्स. तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं इस चीज की, एक दो एग्जांपल्स में दे देता हूं. आई विल टेक दिस कंपाउंड NH3 व्हिच इज एन अमोनिया, व्हिच इज अमोनिया अ बेसिक कंपाउंड. इट रिएक्ट्स विद HCl एंड यू नो HCl इज वेल नोन मिनरल एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो अमोनिया इस HCl के साथ रिएक्ट करता है. देख लो कैसे, वी हीट अमोनिया एंड HCl. अमोनिया इज अ बेस एंड इट इज हीटेड विद HCl व्हिच इज एन एसिड. तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं ड्यू टू हीटिंग HCl की हेटेरोलिसिस हो जाती है. ये क्लोरीन यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये बाहर क्या निकलेगा एज Cl-2 और हाइड्रोजन के लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? क्लोरीन ले रहा है. तो हाइड्रोजन के लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है इसको डोनेट करेगा लोन पेयर कौन? NH3 का नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है. अब देख लीजिए यहां पर क्या बनेगा. नाइट्रोजन जो है एक अकेला नाइट्रोजन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3. ऊपर से इसने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया, ये हाइड्रोजन भी इसी के पास आएगा और यहां पर बनेगा NH4. साथ में हम देख लो यहां पे क्लोरीन को गेन हो रहा है, वो बना रहा है Cl-2 और लेकिन इस नाइट्रोजन को लॉस हो रहा है. इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. सो अमोनिया डोनेट्स इट्स ओनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एच पॉजिटिव एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4+. NH4+ इज कॉल्ड अमोनियम आयन. सो अमोनियम आयन यहां पे बन रहा है और साथ में क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेगा ये क्या बनाएगा? Cl-2. वो Cl-2 इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और बनाएंगे ये NH4Cl. NH4Cl इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड और जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक अमोनियम साल्ट है. सो ये जो है ये एक साल्ट है. नाउ सी अमोनिया रिएक्ट्स विद एसिड HCl एंड व्हाइल रिएक्टिंग दे फॉर्म ए साल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड. अब अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? Cl इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है Cl-2 और बाद में आपका NH3 इस H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इस H को डोनेट करने के बाद NH3 एंड H आपस में बनाते हैं NH4 और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव. फिर यही पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है और बाद बनाता है NH4Cl जो कि एक साल्ट है जिसका हम नाम रखते हैं अमोनियम क्लोराइड. सो कहने का मतलब है अमोनिया बीइंग बेसिक इट रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड फॉर्म्स व्हाट? अमोनियम साल्ट्स. मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं. I will give one more example. I will take NH3 with lone pair of electron. NH3 with lone pair of electron. And I will add to it sulfuric acid. H2SO4. H2SO4. This is sulfuric acid. Ab ek cheez dekh lo. Sulfuric acid jo hai, ये डाइबेसिक एसिड है. डाइबेसिक एसिड मतलब ये दो एच पॉजिटिव दे सकता है, दो एच पॉजिटिव यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड दो बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो यहां पे हम 2 times अमोनिया लेते हैं, दो बेसिस लेते हैं. सर आपने अमोनिया क्यों 2 times ले लिया? क्योंकि हमने एक डाइबेसिक एसिड लिया है. डाइबेसिक एसिड दो एच पॉजिटिव रिलीज करेगा, उन्हीं दो एच पॉजिटिव आयन्स को दो अमोनिया अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे एंड क्या होगा यहां पर बनेगा NH4+. वही 2 times बनेगा NH4+. एक अमोनिया एक एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, बनेगा NH4+. दूसरा अमोनिया दूसरे एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो भी बनेगा NH4+. सो 2 times NH4+ बनेगा और यहां पे जो दो एच पॉजिटिव निकल रहे थे वो इसके साथ कंबाइन हो गए और यहां पे क्या बचा? SO4-2-, वो SO4-2- यहां आ जाएगा. अब देख लो 2 times पॉजिटिव है,
टू टाइम्स यहां पे नेगेटिव है, ये टू टाइम्स पॉजिटिव, टू टाइम्स नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। और आपको यहां पे जो कंपाउंड मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है वो एक साल्ट है। तो आपने यहां पे देख लिया अमोनिया बेसिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड दैट अमोनियम सल्फेट इज वंस अगेन अ साल्ट। So, हमने यहां पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी जो हमने अमोनिया के रिलेटेड पढ़ी उसमें हमने पढ़ा जो अमोनिया है वो एक बेसिक कंपाउंड है क्योंकि उसकी एक्वस सॉल्यूशन भी बेसिक होती है, वहां पे वो हाइड्रोक्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि फिर हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज करता है। बाद में हमने देखा अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अमोनिया किसी भी इलेक्ट्रॉन डेप्शन सेंटर के साथ रिएक्ट करता है और वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है। साथ ही में हमने यहां पर देखा दूसरी प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद एसिड्स में अमोनिया जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है अमोनियम साल्ट्स। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाया अमोनियम सल्फेट, HCl के साथ बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनाया अमोनियम क्लोराइड। सो दिस अमोनिया इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड एंड इट फॉर्म्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ साल्ट्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, वन मोर केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन of ammonia, reaction of NH3 with oxygen। ये जो अमोनिया है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और बनाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये चीज आप याद रखना, अमोनिया रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट, in presence of platinum as catalyst at very high temperature of 1100 kelvin। जो अमोनिया है अमोनिया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ अपॉन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है जिसमें एक तो आता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 दो ऑक्साइड्स बनाता है अमोनिया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताता चलूं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको आगे जाके भी पढ़नी है बहुत जगहों पे, इसलिए आप ये याद रखना। जो अमोनिया है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट एंड दिस अमोनिया फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड कहते हैं। सो मैं रिएक्शंस यहां पे दे देता हूं आपको। आई विल टेक फोर टाइम्स NH3, फोर टाइम्स अमोनिया, इट कंबाइन्स विथ फाइव टाइम्स ऑक्सीजन एट टेम्परेचर ऑफ 1100 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट। अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म्स, now see what it forms, it forms four times NO nitrogen monoxide, naya nitric oxide four times ban raha hai, aur sath mein 4 3s are 12 times hydrogen, yani ki wo 6 times water ke form mein bahar nikalega, 6 times yahan pe water bhi nikalta hai। ab is reaction ko check karo, kya ye reaction balanced hai ki nahi hai। yahan pe nitrogen kitne hai, 4 nitrogen hai, yahan pe bhi 4 nitrogen hai, dekh sakte ho aap 4 nitrogen hai। So, हाइड्रोजन देख लो 4 3s are 12, यहां पे भी हाइड्रोजन 6 2s are 12 और ऑक्सीजन देखो आप 5 2s are 10, यहां पे 6 ऑक्सीजन है, 6 + 4 दैट इज 10। सो आपने यहां पे देखा जो अमोनिया है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड इसने बनाया, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड इसने, यानी कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे इसने बनाया। अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड कितने बन रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इन 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स में नीचे ले लेता हूं और इसको मैं फिर से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करता हूं। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड व्हिच हैज बीन फॉर्मड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट अ हाई टेंपरेचर इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर अंडरगोज ऑक्सीडेशन अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड कैटलिस्ट। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो ऊपर मिल रहा है फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स टू टाइम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहां पे आप देख लो जो अमोनिया है
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो दो कंपाउंड्स यहां पे मिलते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगी आगे जाके भी जब हम प्रेपरेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये चीज फिर से काम आने वाली है। इसलिए फिर से मैं कहता हूं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी में आपने देखा अमोनिया जो है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाता है। सो आई विल रब दिस ऑफ नाउ, So moving ahead, we will be studying the another chemical property, fourth chemical property, that is autoionization of ammonia. जो ammonia है, इसकी एक property है, water की तरह ये खुद से break हो जाता है, self decomposition हो जाती है इसकी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, NH3 लिखता हूँ, देखो कैसे, मगर NH2H, this is NH3 अमोनिया। ये जो अमोनिया है खुद से ब्रेक हो जाता है, देखो कैसे, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH बॉन्ड, इनमें से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है। जब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब देख लो क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन क्या निकलेगा एज H पॉजिटिव, यहां पे हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता है और ये NH2 जो निकलेगा NH2 नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। एंड जब अमोनिया ब्रेक हो जाता है, खुद से ब्रेक हो जाता है, एक तो एच पॉजिटिव बनाता है, दूसरा NH2 नेगेटिव बना, दिस NH2 नेगेटिव इज कॉल्ड एज एमाइड आयन। अमोनिया अंडरगो सेल्फ ब्रेक डाउन एंड इट फॉर्म्स अ प्रोटॉन एंड एमाइड आयन। अब देख लो, ये प्रोटॉन ऐसे ही नहीं रहता है, अब ये ऐसे ही नहीं रहता है, देख लो। अभी आप बहुत सारे बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सर आपने अभी कहा कि अमोनिया जो है एक बेस है, तो बेस जो है वो या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है या तो वो रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन, लेकिन यहां पर अमोनिया तो एच पॉजिटिव बना रहा है, तो ये एसिड क्यों नहीं है फिर? देखो ये एच पॉजिटिव है जो है ना, ये एच पॉजिटिव ऐसे ही नहीं रहेगा, ये दूसरे अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। मैंने एक और अमोनिया मॉलिक्यूल यहां पे लाया, एक और अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन्स विद एच पॉजिटिव एंड ये अमोनिया मॉलिक्यूल इस एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डो, ये नया अमोनिया मॉलिक्यूल है, नया अमोनिया मॉलिक्यूल इसके एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां पर क्या मिलेगा, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव जो है वो कौन सा आयन है, अमोनियम आयन। सो आई विल से वन थिंग, अमोनिया व्हेन इट अंडरगो सेल्फ डिसोसिएशन ऑटो आयोनाइजेशन इट फॉर्म्स एमाइड आयन एंड इन एडिशन टू एमाइड आयन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एच पॉजिटिव बट दैट एच पॉजिटिव डज नॉट रिमेन एज सच इट फर्दर रिएक्ट्स विद वन मोर अमोनिया मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स अमोनियम आयन। लेकिन अगर हमें इस रिएक्शन को ऐड कैसे करते हैं, याद होगा आपको, ऐड जब हम करते हैं एडिशन के टाइम पे हम सेम सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट हो हम उनको कैंसिल करते हैं। अब देख लो यहां पे एच पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड में है और ये एच पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड में है, इसको और इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पे क्या रह रहा है, ऊपर NH3 मॉलिक्यूल एक, नीचे भी NH3 मॉलिक्यूल एक, दो NH3 मॉलिक्यूल एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 2 times NH3। यहां पे मैंने ऊपर एक NH3 नीचे एक NH3 तो 2 times NH3 ले लिया, बेसिकली मैं इन दोनों रिएक्शंस का ऐड कर रहा हूं, दो NH3 मॉलिक्यूल्स यहां पे मैंने लिख लिए, तो वो जब उनकी ऑटो आयोनाइजेशन होती है, एक क्या मिलता है यहां पे एमाइड आयन और क्या मिलता है अमोनियम आयन। मैं पहले अमोनियम आयन लिख लेता हूं, NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। अब बेटा देख लो अमोनिया की जब ऑटो आयोनाइजेशन होती है यहां पे मेन प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, एक तो अमोनियम आयन और क्या मिलते हैं एमाइड आयन, यहां पे एच पॉजिटिव आयन नहीं रहा, तो इसलिए हम कहते हैं कि अमोनिया जो है ये बेसिक नहीं है, क्योंकि यहां पे एच पॉजिटिव एज एच पॉजिटिव नहीं रहता, वो फिर दूसरे अमोनिया के साथ कंबाइन करके अमोनियम आयन बनाता है और वो अमोनियम आयन इस एमाइड आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है, अमोनियम आयन और एमाइड आयन आपस में रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे अमोनियम एमाइड जो कि एक नया साल्ट बनेगा यहां पर। So, आपने देखा कि अमोनिया जो है इसकी ऑटो आयोनाइजेशन होती है, उसकी वजह से एक तो ये अमोनियम आयन बनाता है और एमाइड आयन बनाता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझा देता हूं, जो अमोनिया है जब इसकी ऑटो आयोनाइजेशन होती है, ऑटो आयोनाइजेशन की वजह से एक तो ये बनाता है अमोनियम आयन
और क्या बनाता है एमाइड आयन, जैसे वाटर, वाटर जो होता है उसकी भी ऑटोआयोनाइजेशन होती है और वो बनाता है एच पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन वाटर, लेकिन अमोनिया एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं बनाता, ये बनाता है एमाइड आयन और अमोनियम आयन, यानी कि अमोनिया जो है वो वाटर की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन वाटर अलग आयन्स बनाता है, ये अलग आयन्स बनाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं जो अमोनिया है ये भी एक अच्छा सॉल्वेंट है फॉर द पोलर सबस्टेंसेस, जैसे वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें क्योंकि वो पोलर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई होता है, ऐसे ही अमोनिया को भी हम बहुत सारी जगहों पे सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी भी एबिलिटी है वाटर की तरह ही इसकी भी ऑटो आयोनाइजेशन होती है, बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ ऑटो आयोनाइजेशन द अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर पोलर सबस्टेंसेस। सो ये तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हमने अमोनिया की स्टडी यहां पे की है। सो वी विल बी मूविंग अहेड एंड स्टडीइंग द अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। नाउ सी वी विल बी टेकिंग द फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ हैलोजन्स, रिएक्शन ऑफ NH3 अमोनिया विथ हैलोजन्स, विथ हैलोजन्स। हैलोजन्स में आपको पता है इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, जो अमोनिया है अमोनिया जो है ये हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रा एसिड्स बनाता है, हाइड्रा एसिड्स मतलब हाइड्रा एसिड्स HCl, अगर अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर अमोनिया ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, अगर NH3 आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा HI हाइड्रा आयोडिक एसिड, यानी कि अलग अलग हैलोजन्स के साथ अमोनिया जो है अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। आई विल टेक द एग्जांपल, आई विल लाइट NH3 अमोनिया टू टाइम्स एंड टू इट आई विल ऐड 3 टाइम्स Cl2। अब इन्हें यहां पे अमोनिया लिया है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया, और जब क्लोरीन के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है दे रिएक्ट एट 475 केल्विन टेंपरेचर, and when they react this N2 is eliminated as nitrogen gas, ye do nitrogen N2 form mein gas ke form mein bahar nikalte hain, aur yahan pe 3 2s are 6 hydrogen, 3 2s are 6 chlorine, 6 hydrogen 6 chlorine aapas mein react karenge aur banayenge yahan pe 6 times HCl, wahi main keh raha tha jab ammonia react karta hai chlorine ke sath to yahan pe HCl banta hai hydrochloric acid, likewise if you take NH3 two times and you will treat this NH3 with 3 times Br2 bromine, once again ammonia and bromine react at the same temperature 475 Kelvin temperature, once again these two nitrogen atoms are eliminated as nitrogen gas, leaving behind 3 2s are 6 hydrogen, 3 2s are 6 bromine, 6 hydrogen 6 is bromine, they combine they form 6 times HBr। सो कहने का मतलब यह है कि अमोनिया क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, अमोनिया ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करता है, और क्लोरीन के साथ बनाता है HCl, ब्रोमीन के साथ बनाता है HBr हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्राब्रोमिक एसिड, कहने का मतलब यह है कि अमोनिया हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है और डिफरेंट एसिड्स बनाता है हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हाइड्राब्रोमिक एसिड बनता है, यह डिपेंड करता है कि आपने अमोनिया को कौन से हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाई है। सो ये कंप्लीट हो रही है फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, और मैं और एक ऐड कर देता हूं सिक्स्थ एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, सिक्स्थ एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ सोडियम, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, चाहे आप सोडियम मेटल ले लो या कोई सा भी मेटल ले लो, अमोनिया मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है एमाइड्स, ये चीज याद रखना, whenever any metal whether it is sodium potassium calcium or any metal whenever a sodium metal or any compound reacts with ammonia it forms amides, I will give the example NH3 combines with sodium Na, I will take 2 times NH3 2 times sodium, and when they combine with each other upon heating they form 2 times NaNH2, 2 times NaNH2 with the release of hydrogen gas, यहां पे hydrogen gas भी release हो जाता है। अब check कर लो एक बार बेटा, यहां पे sodium 2 है ये तो यहां पे भी sodium 2, यहां पे nitrogen 2 है तो यहां पे भी nitrogen 2 है, hydrogen check कर लो 3 2s are 6, 2 2s are 4, 4 plus 2 is 6, बराबर balanced reaction है। आपने देखा जो sodium है ammonia के साथ react करता है और इसने क्या बनाया NaNH2, it is called as sodamide, sodamide,
So sodium reacts with ammonia forms sodamide, calcium reacts with ammonia forms calcium amide and potassium reacts with ammonia forms potassium amide. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अमोनिया है different metals के साथ react करता है और बनाता है क्या different types of amides. इसी के साथ ही chemical properties जो है ammonia की वो complete हो जाती है, chemical properties of ammonia. So मैंने पहले ही कहा था पार्ट फर्स्ट में हमने प्रिपरेशंस ऑफ अमोनिया डिस्कस की, जो कि प्रीवियस लेक्चर था अमोनिया की रिलेटेड, उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया डिस्कस की और इस वाले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया डिस्कस कर रहे थे. अब हम इसके थोड़ा बहुत यूजेस भी डिस्कस करते हैं. सो आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी यूजेस ऑफ अमोनिया NH3. सो पहला यूज अमोनिया का, पहला यूज ये है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. अमोनिया का पहला यूज, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. नाइट्रोजन और इसके यूजेस ऑलमोस्ट सेम है, नाइट्रोजन N2 और अमोनिया के यूजेस ऑलमोस्ट सेम है. ये जो अमोनिया है ये भी किससे बनता है, N2 से. जो उसके यूजेस ऑलमोस्ट इसके यूजेस भी वैसे होते हैं. अमोनिया इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया है, यूरिया अमोनिया से बनता है. मैं अगर 2 times अमोनिया लेता हूं, 2 times NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दे रिएक्ट एट 123 केल्विन टेम्परेचर. अमोनिया मैंने लिया, इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, दोनों को अगर मैं हीट करूं 123 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहां पे क्या मिलता है, NH2CONH2 और साथ में यहां पे वाटर निकलता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है. व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, साथ ही में एक कंपाउंड बनता है NH2CONH2. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज यूरिया. आप देख सकते हो जो यूरिया है एक वेल नोन फर्टिलाइजर, ये बनता है जब आप कार्बोक्सिलेशन करते हो, किसकी, अमोनिया की, तब जाके आपको यूरिया फर्टिलाइजर मिलती है. यूरिया को छोड़ के अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नाम याद रख लीजिएगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे फर्टिलाइजर्स है और इन सारे फर्टिलाइजर्स का जो स्टार्टिंग मटीरियल होता है वो होता है अमोनिया. तो याद रख लीजिएगा, यूरिया जो है अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, या एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है इन डे टू डे लाइफ, दैट इज CAN. CAN इज ए फर्टिलाइजर, इसका पूरा नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्राइट. ये भी एक फर्टिलाइजर है, इसको भी हम अमोनिया से बनाते हैं. सो अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, पर्टिकुलरली यूरिया एंड दीज अमोनियम साल्ट्स एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. तो ये तो इसका पहला यूज हो गया बेटा. अमोनिया जो है इट इज ऑल्सो यूज्ड for making explosive substances. जो मैंने अभी कहा एक चीज कि अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और अमोनियम नाइट्राइट मिलता है अमोनिया से. वो अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप TNT के साथ मिक्स करते हो, ट्राइनाइट्रोटोलुइन के साथ, वहां पे एक मिक्सचर बनता है, दैट इज कॉल्ड एमेटोल, जो अपने प्रीवियस लेक्चर में N2 में भी पढ़ा था. यूजेस ऑफ N2 आप चेक कीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था. अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स करते हैं विद TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, वहां पे जो मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड एमेटोल. या अमोनियम नाइट्राइट को अगर हम मिक्स करें विद अल्युमिनियम पाउडर, वहां पे मिलता है एक और सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एमेनोल. और दोनों एमेटोल और एमेनोल बनते हैं किससे, अमोनिया से, क्योंकि स्टार्टिंग मटीरियल अमोनिया है और वो दोनों एमेटोल और एमेनोल जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस होते हैं. इसलिए हम ये भी कहते हैं कि अमोनिया जो है ये यूज होता है फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस लाइक एमेटोल एंड एमेनोल, जो मैंने प्रीवियस N2 वाले लेक्चर, डाइनाइट्रोजन वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था. और एक यूज है अमोनिया का, इट इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है अमोनिया जो है.
कूलिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. और एक यूज है इसका, इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट. क्लींजिंग एजेंट, अगर किसी चीज को आपको साफ करना हो, किसी चीज को साफ करना हो, तो अमोनिया को हम क्लीनिंग क्लीनाइजिंग एजेंट या क्लींजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो लास्ट यूज है वो आप खुद से लिखोगे, वो क्या है, इट इज यूज्ड एज लैब रिएजेंट. इट इज यूज्ड एज लैब रिएजेंट. लैब रिएजेंट के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है, यानी कि लेबोरेटरी में फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको अमोनिया की जरूरत पड़ती है लैब में, तो भी मैंने यहां पे लिखा इट इज यूज्ड एज अ लैब रिएजेंट. सो इसी के साथ ही अमोनिया के रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और यहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़े. तो दो चीजें मैं आपको बताता हूं, एक तो प्रेपरेशन, प्रेपरेशन में से हैबर्स प्रोसेस, और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस अमोनिया के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में प्रेपरेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. सून वी विल बी कमिंग विथ अ न्यू लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़.